the manufacturer gains 20%, the wholesale dealer 15%, and the retailer 10%, then find the cost of production of a cable if the retailer selling price was 7590. कि कोई एक केबल है जिसका रिटेल प्राइस 7590 है, उसमें ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर को, इट मींस जो इसको निर्माण कर रहा है, बना रहा है, उसको कितने का गेन है? 20% का गेन है. तो 20% का क्या मतलब होता है? रेशियो टर्म्स में 1/5 का गेन है. मतलब अगर इसकी लागत, इन्वेस्टमेंट अगर 5 थी तो इसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए? 1 ज्यादा होना चाहिए. इट मींस अल्टीमेटली ये 6/5 का फैक्टर है. होलसेल को कितना गेन है? 15%. तो 15% को आप क्या लिखोगे? 15% को आप लिख सकते हो 3/20. आपको पता है 1/20 का वैल्यू 5% होता है, तो 15% को सिंपली आप 3/20 से ज्यादा करोगे. इट मींस अगर 20 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी तो फाइनल प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए? 3 ज्यादा, तो 23/20. और रिटेलर को कितना गेन हो रहा है? 10% का. तो 10% को आप क्या लिखोगे? 10% होता है 1/10. और इससे ज्यादा का क्या मतलब है कि अगर 10 लागत है, इन्वेस्टमेंट है, तो फाइनल कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए? 11. तो ये आएगी 11/10 का फैक्टर. तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा. सो अज्यूम कर लो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पी है, तो उसमें सबसे पहले कौन सा गेन आएगा? 20% का मैन्युफैक्चरर गेन. तो आप क्या लिखोगे? पी इंटू 6/5. तभी तो आप हायर वैल्यू की तरफ जाओगे. होलसेल डीलर क्या करेगा? इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देगा 23/20 से. उसके बाद किसके पास आएगा? रिटेलर के पास आएगा. तो रिटेलर इसमें क्या करेगा? 11/10. और यही बाद में फाइनल प्राइसिंग किसके इक्वल है? 7590 का, जो रिटेल प्राइस है. तो यहां से 11 से आप डिवाइड करोगे तो 11/6 से 66, तो 9, तो ये 90 और ये 0. 23 से ये 30 और 6 से ये 5. तो प्राइसिंग कितनी होगी? P इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5 × 5 × 10 × 20. तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 5 × 25, ये 250 × 20. तो ये किसके इक्वल आएगा? 5000. सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी. जिन बच्चों को इंग्लिश के क्वेश्चन से प्रॉब्लम था, वो हिंदी के क्वेश्चन को यहाँ रेफर कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.